टोकन लूटने आए थे, मैंने मना किया तो हमको बहुत मारा जबरदस्ती, वो टोकन में आग लगाने का ड्रम फैला दिए डीजल की। कौन लोग थे? राहुल थे, राहुल राइफल तगाने थे। राहुल कौन है ये? राहुल विधायक का लड़का है। कहाँ के विधायक थे? गरोठा विधायक है। जो भी काम गलत होगा तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम है। क्या के लिए अगर काम कराओगे, अगर खनन कराओगे? हम कराते हैं। और तुम ही कराते हो, कैसे पहुंच गया तू वहां पर? अबे खनन कराते हैं, हट। अबे खनन कराता मीठी जुबान से टपकती इस कड़कड़ाती आवाज को सुन रहे हैं। यूपी पुलिस पर चिल्लाने की एक कड़कड़ाती जुबान आपकी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आपके पिताजी सत्ताधारी पार्टी से विधायक होने चाहिए। और अगर आपके पापा या चाचा विधायक हैं तो आप 4-5 गाड़ियों में हूटर और झंडा लगाकर 20-25 लड़कों को बैठाकर क्षेत्र में जलवे के साथ घूम सकते हैं। और फिर क्या पुलिस, क्या दरोगा और क्या कप्तान, सब कुछ सेटल कर लिया जाता है। रुकिए, कहीं आप गफलत में तो नहीं। ये वीडियो है योगी सरकार में गरोठा सीट से विधायक जवाहर सिंह राजपूत के बेटे राहुल राजपूत का, जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने कबरई थाने के अंदर घुसकर थाना अध्यक्ष से बदसलूकी की और पुलिस पर रुपए लेने और अवैध खनन करने के आरोप लगाए। दरअसल मामला बालू खनन के घाट से जुड़ा हुआ बताया गया है, जहां पर विधायक का बेटा राहुल राजपूत अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचता है और घाट पर तोड़फोड़ करते हुए घाट पर खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ देता है और इस तोड़फोड़ के साथ मारपीट भी की जाती है, जिसमें पीड़ित सीधे तौर पर विधायक के बेटे पर हमला करने का आरोप लगाता है। यहाँ पर टोकन लूटने आए थे, मैंने मना किया तो हमको बहुत मारा जबरदस्ती, वो टोकन में आग लगाने का ड्रम फैला दिए डीजल की। कौन लोग थे? राहुल थे, राहुल राइफल तगाने थे और उनके साथ 25-30 लड़के थे, 5 गाड़ियों भर के आए थे। राहुल कौन है ये? राहुल विधायक का लड़का है। गरोठा विधायक है। उनका लड़का था? उनका लड़का राहुल हम जानते हैं। और कितने लोग थे? 25-30 लड़के थे, के हाथ में स्टंप थे और डंडे थे, उन्होंने हमको मारा। लूटपाट भी की है? लूटपाट की है, कैमरा तोड़ दिए, LCD सब तोड़ दिए हैं। वहीं इस मामले के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो मामला विधायक के बेटे के बारे में पता चलता है, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि दोनों तरफ से राजीनामा हो चुका था, इसलिए उसे कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेकिन खुलेआम थाने के अंदर ही थानाध्यक्ष के साथ अमानवीय भाषा और गाली गलौज का वीडियो कोई बना लेता है, जो कि किसी शख्स के द्वारा वायरल हो जाता है, जिसके बाद झांसी पुलिस के अधिकारी हरकत में आते हैं और विधायक के बेटे राहुल राजपूत व उसके 4 अन्य सहयोगियों के खिलाफ थानेदार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। 18/10/2023 को थानाध्यक्ष ककरवी को सूचना मिली कि गरौठा विधायक जवाहर राजपूत के बेटे राहुल राजपूत के द्वारा जो खनन का कांटा है, जिसमें टोकन दिया जाता, वहां पे जाकर के अपने साथियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे तो उनको पूछताछ हेतु थाने पर लाया गया था और थाने पर जो दूसरी पार्टी है जिनके द्वारा खनन कराने की बात थी, वो लोग भी आ गए थे जिनके साथ इन लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। वो दोनों संबंधी निकले, किसी कारण से उन लोगों ने कोई तहरीर नहीं दी जिनके साथ इनके विधायक के बेटे के द्वारा मारपीट की गई थी। तहरीर न देने के कारण कोई उनके द्वारा अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया था। जैसा कि आप बता रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। जब थानाध्यक्ष ककरवई ने ये कहा कि भाई जब अगर किसी के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था तो आपको संबंधित अधिकारी से शिकायत करनी चाहिए थी, इस बात पर उत्तेजित होकर के विधायक के बेटे ने इस ढंग से बदतमीजी और अभद्रता थानाध्यक्ष के साथ किए, जिसके संबंध में उचित धाराओं में राहुल राजपूत तथा उनके साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के? कुल 5 लोगों के विरुद्ध FIR पंजीकृत। फिलहाल जिस दबंगई और कानून की बात करके गरौठा के माननीय विधायक सत्ता में आए, आज दिन और समय ये आ गया कि उनके बेटे पर ही मारपीट, तोड़फोड़, पुलिस को धमकी, गाली जैसे आरोप लग रहे हैं। ऐसे में पुलिस अपने साथ हुई इस बदसलूकी की क्या कार्रवाई विधायक के बेटे पर करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। झांसी से मैं श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।